नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया। जुहू चौपाटी से हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खास हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के मुद्दे पर बट गया है बॉलीवुड। आखिर क्यों बटा है? आखिर क्यों मोदी की लहर या फिर कांग्रेस जिसे कहती है कहर, उसको लेकर इतना घमासान मचा हुआ है? आखिर क्यों बॉलीवुड में रंगीले सपने दिखाने वाले लोग इस हकीकत को पहचानने को तैयार नहीं कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसी पर हमारी बड़ी बहस होगी, लेकिन इस बहस की शुरुआत दो मॉडल ने की थी। एक थी तनिषा, एक है तनिषा और एक है मेघा। दोनों हमारे साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पर मेघा हैं और मेघा ने सबसे पहले मोदी के लिए अपने कैंपेन की शुरुआत की थी। आज भी उनके दिल में मोदी बसते हैं और साथ ही साथ कमल का फूल बसता है। वहीं दूसरी तरफ है तनिषा सिंह हमारे साथ। तनिषा सिंह वो मॉडल हैं जिन्होंने शुरुआत की थी राहुल के लिए कैंपेन की और उनके तन बदन में राहुल बसते हैं, ऐसा उनका कहना है। और आप देख सकते हैं उनकी जो टी शर्ट है वो भी बता रही है। आइए तमाम मेहमानों से अपना परिचय कर रहा हूँ और उससे पहले दोनों इन ब्यूटीफुल लेडीज को उनकी चेयर पर बिठाऊं, उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड दे दूं। बाकायदा बॉलीवुड की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी में तमाम लोगों ने सिग्नेचर्स किए और सिग्नेचर्स के आधार पर ये कहा कि मोदी देश के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं बॉलीवुड के अंदर। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं मोदी के नाम पर आखिरकार क्यों गया बॉलीवुड। मॉडल के रूप में देखना है तो गुजरात को देखिए। गुजरात मॉडल नहीं, टॉफी मॉडल। विकास के लिए वोट देना है, विकास के लिए वोट देना। मोदी जी, हिंदुस्तान का उल्लू बनाना बंद करो। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के बहाने ध्रुवीकरण का जो खेल चल रहा था उसमें अब बॉलीवुड भी हिस्सेदार हो गया है। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मेरे पर्सनल रिलेशन है, मेरे उसी से भी मेरे पर्सनल रिलेशन है। अगर वो मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं उनके लिए करूंगा। ये मेरे पर्सनल। मशहूर लेखक सलीम खान ने नरेंद्र मोदी की पैरवी में उर्दू वेबसाइट लॉन्च की तो बॉलीवुड के खड़े को महसूस होने लगा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना बेहद जरूरी है। इम्तियाज अली, नंदिता दास, विशाल भारद्वाज, जोया अख्तर, गोविंद नलानी, महेश भट्ट, शुभा मुद्गल, अदिति राव हैदरी और अंजुम राजावली जैसी फिल्मी दुनिया की 60 हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर अपील की है कि लोग उस धर्मनिरपेक्ष पार्टी को वोट दें जो उनके इलाके में जीतने की हालत में हो। हालांकि फिल्मी दुनिया के कई सितारे इस बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं। अभी एक साल पटेल जी को जितवाके पंजाब से जो सितारे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी किसी निजी रिश्तों के चलते तो कहीं किसी और वजह से अलग अलग पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग भी जाके वोट दीजिएगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बॉलीवुड के एक बड़े समूह ने वोटरों से सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट देने की अपील की है। राजनीति बॉलीवुड में भी दीवार खड़ी कर दी है। डिवाइड करना, पोलराइजेशन करना, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करना कि भाई आप सेक्युलर पार्टी को वोट दीजिए, इस पार्टी को मत दीजिए, इसको वोट मत दीजिए ना, आप बोलो जिसको जो वोट करना है वो करेंगे। हालांकि अपील में किसी पार्टी या नेता के विरोध का जिक्र नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकता को हराने की अपील का देश और पूरी दुनिया में एक ही मतलब निकाला जाता है कि ये अपील मोदी के खिलाफ है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी के नाम पर बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बंट चुका है? आखिर एक साथ 60 फिल्मी हस्तियों को ऐसा क्या नजर आ गया कि खुद को गैर राजनीतिक कहने वाले मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए? अभिषेक शर्मा के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। 60 फिल्मी हस्तियों को खुद को तो आखिरकार क्यों बढ़ गया बॉलीवुड? इसी बड़ी बहस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ बॉलीवुड के कई सारे मशहूर सितारे मौजूद हैं जुहू के इस बीच पर। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊं ताजदार अमरोही साहब से कमाल अमरोही साहब के बेटे हैं। मेरे साथ चहल साहब मौजूद हैं, मशहूर डायरेक्टर हैं। विपक्ष में बात करेंगे मोदी साहब को क्यों नहीं बनना चाहिए, इस पर बात करेंगे। वहीं पक्ष में बात करने के लिए मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री हैं, जाने माने डायरेक्टर। अशोक पंडित हैं, जाने माने डायरेक्टर।
अभिजीत से जानेंगे हम उनकी राय कि उनका क्या कहना है। साथ ही साथ पलक अपनी टीम के साथ मेरे साथ बैठी हुई है, मुकेश खन्ना साहब हैं, बिंदु दारा सिंह साहब हैं, हेमंत बिरजे हैं, इन दोनों से हम आपका परिचय करा ही चुके हैं, निकुंज मलिक हैं मेरे साथ, सुरेंद्र पाल सिंह साहब हैं, ऋषिता भट्ट साहब हैं, कवि प्रदीप की बेटी ऋषिता भट्ट साहब मेरे लिए आप साहब हैं, कवि प्रदीप की बेटी मेरे साथ मितुल मौजूद है, वो विपक्ष में बात करेंगी। और इन तमाम मेहमानों में सबसे पहले मैं शुरू करता हूं ताजदार जी के साथ। ताजदार जी, सबसे पहले आपकी तकरीर, मोदी क्यों ना मंजूर है आपको? मैंने कभी ये नहीं कहा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, मैंने आज तक कभी भी किसी भी पॉलिटिकल डिबेट के अंदर हिस्सा नहीं लिया। अगर मेरी कोई बात जरा आपको वजन में इधर उधर नजर आए या समझ में आए तो मुझे अपना बड़ा या छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी अगर मुझे सुन रहे होंगे, उनको कोई मेरी बात नागवार गुजरे तो वो भी मुझे अपना हिंदुस्तानी भाई समझ करके बात को दरगुजर कर दे। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना मैं किसी को गलत समझता हूँ, ना किसी को मैं फिलहाल सही समझता हूँ। रही बात कि उनको क्यों नहीं बनना चाहिए, ये आपका एक सवाल है, इसका जवाब सीधा सीधा यही है मेरे हिसाब में कि शायद उनको खुद यकीन नहीं है कि मैं कहाँ से जीतूंगा, आया मैं वडोदरा से जीतूंगा या वाराणसी से जीतूंगा, क्योंकि शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही शख्सियत है मोदी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कल हो सकता है आने वाले कल में वही प्रधानमंत्री बने, और मुझे उनसे कोई जाती तौर पर कोई शिकायत नहीं है, जबकि मैं ये बात भी वादा कर दूं कि अहमदाबाद गुजरात मेरा ससुराल है, और जो 2002 के दंगे तो आपके साले हुए जी, तो मेरे साले हुए, तो 2002 के जो दंगे हुए थे इत्तफाकन मेरे मम ससुरे उनकी बीवी खास उसी राइट के अंदर उनका अब आप खत्म हो गई थी बेचारी। तो मुझे खुद ऐसे अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी साहब जैसे दिग्गज और विद्वान पॉलिटिशियन को ये पहले इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मैं आया वडोदरा से जहां मैं पैदा हुआ, मतलब गुजरात में पैदा हुआ हूं, मुझे वहां से खड़ा होना चाहिए या यूपी वाराणसी से। ताजदार साहब क्यों एक मिनट मुझे बात अपनी पूरी करने दीजिए, एक मिनट मेरी पूरी बात हो जानी चाहिए। दो में से खड़े हो रहे हिंदुस्तान में, खड़े हो रहे कराची और लाहौर में नहीं खड़े हो रहे, हिंदुस्तान के भाग में खड़े हो रहे हैं। जी जी जी, तो इसमें कोई है? इसमें कोई रह नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब है हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा डेमोक्रेसी है, हम कोई भी खड़े हो सकते हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप लोग एक जगह नहीं चार जगह से लड़ सकते हैं, चार नहीं छह जगह से, अगर वो छह जगह से अगर जीत गए तो पांच जगह जो सीट खाली होगी वो रुपया जो तर्क, क्या यही तर्क है आपका, क्या यही इकलौता तर्क है? फिलहाल यही तर्क है, फिलहाल यही तर्क है जी विवेक जी। अच्छा, मैं सवाल ये है, सवाल ये सारा मुद्दा जिसके लिए लोग आपके दर्शक देखना चाहते हैं वो मुद्दा है सांप्रदायिकता का, सवाल जो उठाया गया है सेक्युलरिज्म का वो है, और उसको देखिए कहां लाके खड़ा कर दिया इस मुद्दे पे कि भाई यहां से खड़े होते हैं वहां से खड़े होते हैं। सवाल ये है कि जो इन लोगों ने चिट्ठी एक लिखी, जो एक अपील की है लोगों से, शायद उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये 60 ये लोग हैं कौन जिन लोगों ने ये लिखा है, जिसमें संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने उसके उसमें एक सुबह एक ब्लॉग लिखा है जो वायरल जैसा हो गया है, हजारों लोग जिसको कर रहे हैं, जो था 15 कम्युनल क्वेश्चंस टू द सेकुलर बॉलीवुड। उसमें मैंने 15 सवाल इन लोगों से पूछे, कोई भी पढ़ सकता है मेरे ब्लॉग में जाके, फेसबुक या ट्विटर में। मेरा जो इनसे सवाल है सबसे बड़ा वो ये है, संजय चहल जी से। जी हाँ, जिन्हें संजय चहल जी चूंकि सिर्फ एकमात्र ये कोई अगर और है तो मुझे पता नहीं, सिग्नेटरी हैं और ये मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और ये तो लेखक आदमी भी हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना एक सवाल है कि ये सबको समझ में आता है कि आपका किसकी तरफ इशारा है? आपका इशारा मोदी जी की तरफ है जो आपने चिट्ठी में लिखा नहीं है, है या नहीं है, मैं इतना पूछना चाहता हूँ। चल साहब, है आपका इशारा मोदी की तरफ? वैसा उसमें लिखा है, लिखा उसमें नहीं लिखा है, उसमें क्या लिखा है आपने पढ़ा है कि उसमें ये लिखा है आपको जो सेक्युलर लगे उसे वोट दो। एक मिनट, तो क्या सेक्युलर वोट मांगना सेक्युलर पार्टी या लीडर के लिए गलत बात है? नहीं, मैं एक आखिरी चीज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। एक मिनट, नहीं, सवाल एक सेकंड, एक सेक्युलर, क्या नरेंद्र मोदी सेक्युलर हैं?
नहीं, आप क्यों, आप क्यों कहते हैं कि हमें क्या लिखना, आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो पूछते नहीं, आप हमें क्यों पूछते हो कि हम ऐसे लिखे। सर देखिए बात, एक मिनट सवाल ये है, डोंट हैव एनी, क्या नरेंद्र मोदी सेक्युलर है? मेरा सीधा सवाल है संजय चहल जी आपसे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये बात, जनता बताएगी है कि नहीं है? नहीं नहीं, आपने लिखा है इसलिए आपने, हमने ये लिखा है। एक मिनट आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। एक मिनट, मुझे इस देश में बोलने की, सोचने की, अपील करने की आजादी है। नहीं, पर आप जो लीडर है, आप किस तरह का, एक मिनट सर, आप पत्रकार हैं, आपकी आवाज एक निर्भयता की आवाज होनी चाहिए, किसी ग्रुप की, किसी भेड़ चाल की आवाज नहीं बननी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि एक एक ग्रुप ने कोई गलत अपील की है। अगर मैं कहता हूँ कि दीपक जी आपको नहीं बोलना चाहिए, एक सेकंड लेट मी स्पीक प्लीज। मैं भी ग्रुप में बोलता हूँ कि मोदी साहब सेक्युलर है, क्यों सेक्युलर नहीं बताइए? आप दीजिए ना वोट, आपको कौन मना कर रहा है? मैं तो नहीं बोलता, आप नाम बताइए ना। हम क्यों नाम बताए? सेक्युलर मतलब 15 लोगों की और कुछ कम्युनिटी की फुटबॉल बना के उनके साथ लड़ना, उनको जब मैं, आपने अरे भैया सेक्युलर के नाम पे, आप लोग धंधा करने के लिए फिल्म में देश के नाम पे फिल्म बनाते हो, दूसरे दिन फ्लॉप हो जाता है, सिर्फ आप लोग को सब्जेक्ट चाहिए। सेक्युलर आपका काम नहीं है, सेक्युलर आपका धंधा नहीं है। एक मिनट, आप कैसी भाषा, धंधा है। अरे अभिजीत जी बात कर रहे हैं आप यार, आप फिल्म के नहीं है, हाउ कैन यू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट? आप लोग मतलब कौन है? संजय एक सेकंड, संजय ये बात ही, संजय इस सुर में बात नहीं हो, एक मिनट संजय, अभिजीत मैं दीपक जी, आप लोग मतलब क्या, वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है? संजय एक सेकंड, ये कैसा एलिगेशन है? आप जैसे लोग हैं तो आई एम अशेम्ड कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं, आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म। हां तो आपको अशेम्ड होने का हक है, मैं भी अशेम्ड हूं कि आप एक कलाकार हो गए ऐसी बात कर रहे हैं कि दूसरा आदमी अपनी बात भी ना रखे। संजय एक सेकंड, संजय एक सेकंड, अरे लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आपकी समझ नहीं है क्या? दीपक आप मुझे पूछ के गाना गाते हैं, आप अपनी सोच समझ के लीजिए कीजिए। नहीं नहीं, इस सुर में बात नहीं कर रही है, जहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बात हो रही है। एक मिनट, एक मिनट दीपक जी, बीच में उन्होंने काटा कि मैंने काटा? संजय दो मिनट करके, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, अशोक पंडित जी हाँ बोलिए ना। अशोक पंडित दीपक जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सारे दोस्तों भाइयों से कि थोड़ा एक डिग्निटी के साथ अगर हम डिस्कस करें अच्छा रहेगा, बेहतर है। दोस्त एक सेकंड नहीं, सेक्युलर पे बात कीजिए ना आप। एक सेकंड दीपक, एक सेकंड, पहली बात तो दीपक जी, ये जो सब्जेक्ट है, टाइटल है, बॉलीवुड बन चुका है, बॉलीवुड कभी बटेगा नहीं और बटेगा, आज भी नहीं बटा, कल भी नहीं बटेगा। आई टोटली अग्री विद अशोक। दूसरी बात बॉलीवुड जो है, कभी नहीं ऐसा हुआ कि हमारी पूरी बॉलीवुड जो है किसी एक पार्टी को वोट देती थी, बिल्कुल या किसी एक नेता को वोट देती थी। हमारे बॉलीवुड में सारे कैंडिडेट्स हैं जो अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़े होते थे। हर आदमी को हक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि आप एक को वोट दीजिए, आप एक को सपोर्ट करिए, आप दो को सपोर्ट करिए। संजय के हिसाब से अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको वोट करना, उसका पूरा हक है और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम सल्यूट करते हैं उसको, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा जो बोलना है, इन्होंने जो पिटिशन बनाई है, ये कहते हैं कि बॉलीवुड की पिटिशन है, मैं इसको बॉलीवुड की पिटिशन इसलिए नहीं मानता हूं कि इसमें एक ऐसी महिला का सिग्नेचर है जिस महिला ने मोदी के नाम पे दुकान आज तक चलाई है, जिसका नाम है टीस्ता सितलवाद। टीस्ता सितलवाद का बॉलीवुड से क्या लेना देना? एक दूसरा, अगर आप पिटिशन लिखते हैं, सपोज मैं एक पिटिशन लिखता हूं और उसमें लिखता हूं मैं कि भैया एक सेक्युलर पार्टी को वोट करना चाहिए, बहुत सही है, देश के लिए सेक्युलरिज्म बहुत जरूरी है, प्रिमाइस है देश का सेक्युलरिज्म का, नेशनलिज्म का। लेकिन अगर आप जब एडवाइस कर रहे हैं, आप ये भी लिखिए ना कि आपके हिसाब से सेक्युलर पार्टी कौन सी है, लिखिए उसको। आप सेक्युलरिज्म के आड़ में किसी पे अटैक कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन उसको है। बिल्कुल बिल्कुल, संजय चल साहब बड़ा फंडामेंटल सवाल। हाँ ठीक है बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इन्हीं की पिटीशन से रिलेटेड है सवाल। ये तो हर कोई जानता है कि सच बोलना अच्छी बात है, दया करना अच्छी बात है और सेक्युलर होना अच्छी बात है। और जैसे ये ऐसी बात है, किसी एक वेजिटेरियन आदमी को हर रोज आप बोले कि व्हाट इज गुड टू बी वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के क्या फायदे हैं, वो नेचुरली वेजिटेरियन है, तो हम लोग मेरे ख्याल से नेचुरली सेक्युलर हैं। इनने एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश की है, इनने कहा है देश को खतरा है। किस चीज से खतरा है? मेरे ख्याल से देश को इस बात से खतरा है कि लोगों के घरों में जॉब्स नहीं है। आज 40% इंडिया मिलिट्री या किसी तरह की पुलिस फोर्स के अंडर निगरानी में है। इनमें मार्क्सिस्ट और नक्सलाइट्स का माओइस्ट, जिसमें इनकी 60 लोगों में कई सारे उसके सिंपथाइजर्स हैं और ओपनली सर्टिफाइड सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के कारण हमें खतरा है। हमें खतरा है पॉवर्टी से, हमें खतरा है मिसमैनेजमेंट से, हमें खतरा है करप्शन से, हमें खतरा है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से। वो हमारा खतरा है, या जो हमारा एक नेचर है, जो हम सेक्युलर हैं, हजारों साल से रहते आए हैं हम लोग, वो इतना बड़ा खतरा, एक फियर साइकोसिस जो खड़ी करने की कोशिश करते हैं और उस किसकी तरफ इशारा करते हैं?
किस पे ये इल्जाम लगता है आज की तारीख में? लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, नहीं, यू हैव डन अ ग्रेट सर्विस टू पीपल। आपने लोगों को सोचने पे मजबूर किया, उनने सोचा कि कौन सा ऐसा लीडर है जो सिर्फ सेक्युलरिज्म की बात करता है, जो कहता है मैं रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ आई वांट टू बी इंडियन फर्स्ट और मेरा जो धर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो मोदी जी हैं, ये तो राइट मोदी जी हैं। तो थैंक यू। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? डिसाइडेड। ये देखिए, हिंदी में कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बोलो हाँ ठीक है, साइन करो इसमें। अगर आप कश्मीर में जाके सेक्युलरिज्म की बात करो, कश्मीर की बात क्यों नहीं जाओगे? अभिजीत जी जाओ, अभिजीत अभिजीत जी, आप मेरे दोस्त अशोक जी वहाँ बैठे हैं आपके साथ, उनको कहिएगा पन्नी कश्मीर की जब मूवमेंट हुई तब मैंने जितना हो सके मेरे साथ दिया था कि नहीं। तो आप मेरे सेक्युलरिज्म को और राष्ट्रवाद को तुम क्वेश्चन मत करो। आप क्वेश्चन, हमारे जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म, कोई सेक्युलर नहीं है, धंधा है सेक्युलर करना। आप सुडोस लोगों का, मैं एक बात बार बार धंधा क्यों बोल रहे हैं यार? देखिए आज देश की समस्या, नहीं ये धंधा कहाँ से आ गया? एक मिनट, आप ये भाषा चेंज कीजिए। मैं इस डिस्कशन में, आई डोंट वांट टू बी पीपल वर्सेस संजय छेल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेक्युलरिज्म धर्म संप्रदाय बड़ा है या देश बड़ा है? कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई रिलीजन, कोई सेक्युलरिज्म देश से बड़ा नहीं होता। आप किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? किस राज की बात कर रहे हैं जिसमें रेपिस्ट रेप करके दो दिन के बाद घूम रहे होते हैं? आप किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, किस राज की बात कर रहे हैं जहां पर मर्डरर मर्डर करके घूम रहे होते हैं? कसाब जैसा आदमी 1.5 साल तक दमाद बनकर रहता है जेल में, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन 1 करोड़ नहीं हजारों करोड़ का करप्शन करने के बाद जब जेल जा रहे होते हैं तो कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहे होते हैं। आप किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदू मुस्लिम, कोई धर्म। आप देखिए मुकेश जी, इन सारे सवाल का सेक्युलरिज्म से कोई वास्ता ही नहीं है। आप क्या स्पीच दे रहे हैं? आप बात कीजिए इन बात से, क्या बात है? नरेंद्र मोदी के संरक्षण में हमारा देश में राजकता आएगी कि नहीं आएगी? आज हमारा देश अराजकता से, अरे मैं कोई भविष्यवेत्ता तो हूं नहीं, आज हम लोग डेमोक्रेसी का सवाल पूछ रहे हैं आज हम लोग। देखिए मुद्दा ये गलत मुद्दे पर, एक सबसे पहले ये टाइटल है उससे मैं खिलाफ हूं मोदी के।